नमस्कार, सिटीजन वॉइस में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका शर्मा। चलते हैं खास खबरों की ओर। यह खबर राजस्थान राज्य के 12 जिले के अंता क्षेत्र के मंडिता गांव की है, जहां बिजली की 11 केवी लाइन टूटकर 8 से 10 मकानों पर गिर गई, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। 11 केवी लाइन गिरने से गांव की दो महिलाओं को करंट लग गया, जिससे घायल महिलाओं को अंता अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल 12 के लिए रेफर कर दिया गया। इस हादसे पर ग्रामीणों ने बताया कि कई बार प्रशासन व बिजली निगम के अधिकारियों से इसकी शिकायत की जा चुकी है, परंतु बिजली अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके नतीजे आज गाँव के मकानों के ऊपर से गुजर रही 11 केवी लाइन टूट गई, जिससे घरों में करंट आ गया और कई लोग इस करंट की चपेट में आए दिन आते रहते हैं। इलेमन गांव में नंगी गुजर रही थी लाइन नंगा तार, और हमने प्रशासन को लाइट वालों को 10 बार शिकायत कर दी, किसी ने हमारी नहीं सुनी। उसके बावजूद आज यह हादसा और वो इलेमन का तार टूट के नीचे गिर गया, और ये 2-3 पेशेंट लाइट से जुड़ सकते। और कितना नुकसान हो और वो तो पता नहीं है, मैं तो हम तो इनको लेके आए, जैसे जैसे पता चल रहा है वैसे लेके आए। झालावाड़ शहर से सटे गांवड़ी तालाब में आज एनडीआरएफ टीम द्वारा आपदा प्रबंधन को लेकर मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान उपखंड अधिकारी मनीषा तिवारी सहित कई विभागीय अधिकारी गण भी मौजूद रहे। एनडीआरएफ टीम प्रतिनिधियों ने बताया कि झालावाड़ जिला बाढ़ग्रस्त इलाकों में शामिल है, जहां बारिश के दिनों में काली सिंध और आहू नदी के जल प्रलय के कारण बाढ़ के हालात पैदा हो जाते हैं। इसी के मद्देनजर आज एनडीआरएफ टीम ने करीब 40 सदस्यों ने मॉक ड्रिल के माध्यम से आपदा प्रबंधन के कार्यों के दौरान त्वरित राहत पहुँचाने के गुर सीखे। हालांकि मानसून की विदाई और बारिश समाप्ति के बाद बाढ़ राहत और जैसे कार्यों के लिए की जा रही मॉक ड्रिल इसलिए भी चर्चा का विषय बनी हुई है कि क्या आपदा प्रबंधन को लेकर तैयारियां और मॉक ड्रिल के कार्यक्रम बारिश से पहले नहीं किए जाने थे। 40 सदस्यीय टीम है, जो कि हमारे श्री आर एस जून कमांडेंट 6 बटालियन एनडीआरएफ व श्री अमर सिंह चौहान उप कमांडेंट के निर्देशानुसार और मेरे नेतृत्व में यहाँ टीम जो कि एक मॉक एक्सरसाइज का अभ्यास करेगी। इस मॉक एक्सरसाइज के दौरान सभी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितनी भी एजेंसीज हैं, उनको यहाँ बुलाया गया है और उनका आपस में कोऑर्डिनेशन करके एक फ्लड से रिलेटेड एक मॉक एक्सरसाइज की गई। चूँकि आपको पता ही है कि झालावाड़ में क्या है, बारिश काफ़ी होती है और बारिश की वजह से यहाँ का जो नियरेस्ट बांध है उसमें कभी कभी इस काली सिंध रिवर में पानी की जो है लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसकी वजह से जो आसपास की जो एरियाज़ हैं, जो आसपास की जो लो लेवल जो लो लाइन जो विलेजेस हैं, उनमें क्या होता है कि पानी भर जाता है और पानी भरने की वजह से वहाँ के लोग वहाँ ट्रैप हो जाते हैं। तो हमारी जो एनडीआरएफ की टीम है वहाँ पे किस तरह से वहाँ इवैक्यूएशन ड्रिल करेगी और कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन कौन सी जो सर्वाइवल टेक्निक्स हैं उसका यूज़ करके आप लोगों को यहाँ डेमोस्ट्रेट करके बताया जाएगा, और इवैक्यूएशन करने के बाद जो हमारी जो MFR से रिलेटेड जो फर्स्ट एड से रिलेटेड जो हमारी कार्रवाई होती है वो भी आपको यहाँ दिखाई जाएगी कि किस तरह से CPR दिया जाता है और किस तरह से आप अगर किसी व्यक्ति को अगर पानी चला गया है अंदर तो पानी को किस टेक्निक के द्वारा हम बाहर निकाल सकते हैं। तो इस मॉक एक्सरसाइज का मुख्य उद्देश्य होता है कि सभी एजेंसीज को कोऑर्डिनेट करना और कोऑर्डिनेट करके एक सामंजस्य जो होता है उसको व्यवस्थित रूप से सुचारू रूप से उस कार्रवाई को करना, इसका मुख्य उद्देश्य है इस मॉक एक्सरसाइज। भीलवाड़ा में यातायात व्यवस्थाओं में सुधार के लिए परिवहन विभाग व पुलिस महकमा मिलकर कार्य करेगा। 14 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक चलने वाले सड़क सुरक्षा सप्ताह की तैयारियों को लेकर सोमवार को जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में SP हरेंद्र महावर की अध्यक्षता में बैठक हुई। बता दें कि पुलिस अधीक्षक हरेंद्र महावर ने कहा कि यातायात सप्ताह के तहत आज स्वयंसेवी संस्थाओं, स्कूलों के प्राध्यापक, पुलिस अधिकारियों की बैठक ली गई, जिसमें सुरक्षित यातायात, दुर्घटना पर रोकथाम को लेकर चर्चा की गई। 14 अक्टूबर से पूरे राजस्थान के अंदर सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंदर यातायात के नियमों की जानकारी देना और सभी के लोगों के द्वारा यातायात के नियमों का पालन करके रोड एक्सीडेंट में कमी लाई जाए, ये हम सभी का उद्देश्य है। इस संदर्भ में आज हमने सभी स्टेक होल्डर्स, जिसमें खासतौर से स्कूल के प्रिंसिपल्स और अन्य अधिकारी महोदय, उन सभी की हमने मीटिंग ली और सभी के सहयोग से और संयुक्त प्रयास से हम सुनिश्चित करेंगे कि रोड एक्सीडेंट में कमी आए। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंदर विशेष तौर पर 3 चीज़ों पर काम किया जाएगा। सबसे पहला है कि जागरूकता फैलाना,
सबसे ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाए। उसके बाद में एक हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी लोग सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन कर रहे हैं उनको किसी तरीके से प्रोत्साहन मिले। और तीसरे स्तर पर है कि जो भी सड़क सुरक्षा से संबंधित नियम है और जो कानून है उनका सख्ती से पालन करवाया जाए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई हो। इन तीनों ही हेड के अंदर हम मैक्सिमम कार्रवाई करने के प्रयास को हम इसमें शामिल कर रहे हैं। शैक्षणिक संस्थाओं के साथ साथ हम लोग एनजीओ और अन्य प्रकार के जो भी संगठन हैं जो कि हमारे साथ में जागरूकता फैलाने में हमारा सहयोग कर सकते हैं। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज और चिकित्सालय में कार्यरत रेजिडेंट डॉक्टर्स और नर्सिंग कर्मियों ने आज विभिन्न मांगों को लेकर मिनी सचिवालय में प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि झालावाड़ मेडिकल कॉलेज और जिला चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं के चलते न केवल मरीज और तीमारदार बल्कि नर्सिंग स्टाफ और रेजिडेंट डॉक्टर को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला चिकित्सालय परिसर के टॉयलेट्स गंदगी से अटे पड़े हैं तो वहीं जिला चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज परिसर में एक भी एटीएम नहीं है। ऐसे में आवश्यकता के दौरान नर्सिंग स्टाफ और मरीज के तीमारदार पैसे के लिए भटकते दिखाई देते हैं। अस्पताल परिसर में पार्किंग ठेका नहीं होने के कारण वाहन चोरी की घटनाएँ भी लगातार बढ़ रही हैं। उधर मेडिकल कॉलेज जाने के लिए मुख्य मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गया है जिससे छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अस्पताल प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर जिला कलेक्टर उनकी मांगों पर ध्यान देते हुए समस्याओं से तुरंत राहत दिलवाएं। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मत पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मत। मरीजों के लिए विद्यार्थी कर्मचारी सड़क का मुख्य झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में जाने वाला मुख्य मार्ग ही खराब हो चुका है। सड़क एक साल से बिल्कुल टूटी फूटी हुई है, ना कोई लाइट पानी की व्यवस्था है। हॉस्टल में हॉस्पिटल में भी बाहर से पानी के कैंपर मंगवाने पड़ रहे हैं। स्टाफ को कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है। कॉलेज प्रशासन के आगे कई बार गुहार लगवा चुके हैं, कई प्रार्थना पत्र दिए जा चुके हैं लेकिन कॉलेज प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अंतिम प्रार्थना पत्र कॉलेज प्रशासन को 25 सितंबर को दिया गया था लेकिन कोई वार्ता, कोई व्यवस्था में सुधार, मरीजों के लिए जो 24/7 DDC के अंदर होने चाहिए, जो भर्ती मरीज हैं उनमें भी नहीं है, आवश्यक उपकरण नहीं है मेडिसिन के वार्ड में। सबके लिए ज्ञापन दिया जा चुका है ताकि व्यवस्थाओं में सुधार हो, मरीजों को जो सुविधाएं मिल रही है राजस्थान सरकार की वो समुचित तरीके से मिल सके। और जो हर वर्ष छात्रों की फीस बढ़ाकर हॉस्टल फीस बढ़ा दी जाती है लेकिन सुविधाएं उनमें शून्य होती जा रही है। जो पहले सुविधाएं थी, लिफ्ट खराब पड़ी है दोनों हॉस्टल की। गुलाबी नगरी जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर सहित गुरुद्वारा आने वाले सभी भक्तों व पर्यटकों के लिए राजस्थान सरकार ने दी नई सौगात। जी हां, महापौर विष्णु लाटा और मुख्य सचेतक महेश जोशी ने जयपुर वासियों को एक अच्छी सौगात दी है। बता दें कि गोविंद देव जी मंदिर परिसर के बाहर स्मार्ट शौचालय के बनने से मंदिर और गुरुद्वारों में आने वाले भक्तगणों को यहां अब कई प्रकार से राहत मिल सकेगी। इसके साथ ही यहां महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट और पुरुषों के लिए ब्लू टॉयलेट बनाए गए हैं और इसके साथ ही साथ बच्चों के लिए अलग से फीडिंग रूम भी बनाए गए हैं जहां महिलाएं अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर बैठकर दूध भी पिला सकेंगी। साथ ही एटीएम और सुरक्षा भवन के ठीक बीच में निशक्त जनों के लिए विशेष शौचालय और रैंप की व्यवस्था भी की गई है। इस दौरान कार्यक्रम में पार्षद सुरेश सिंह रॉबिन व निगम अधिकारी और आमजन इस मौके पर मौजूद रहे। हम सभी देशवासियों को अपने अपने स्तर पर देश के लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाना आना चाहिए और सभी प्रकार की कानूनी व्यवस्थाओं में अपना योगदान देना चाहिए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखिए आप खुद इस वीडियो में। जी हाँ, इस माह 13 अक्टूबर को हाल ही में इस नवदंपत्ति का विवाह हुआ है। यह नवजोड़ा शहर में लोगों को यातायात नियमों की पालना करने का संदेश दे रहे हैं जिससे देश में सड़क हादसों में कमी आ सके, लोग अपने और अपनों के लिए जागरूक रह सकें। दिन भर की धूप में इस दंपत्ति के इस अच्छे कार्य को लोगों ने खूब सराहना की और लोगों में एक अच्छी सोच विकसित हो सके, इसलिए इस दंपत्ति ने यह अच्छा कार्य किया। आज पहला दिन है शादी के बाद का और मैं चाहती हूँ एक छोटा सा मैसेज देना आम जनता को कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, ट्रैफिक पुलिस की रिस्पेक्ट करें क्योंकि वो हमारी सेफ्टी के लिए है। हम एक दुर्घटनाओं से बचें बिकॉज छोटी छोटी सी गलतियों की वजह से दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो एक छोटा सा मैसेज है शादी के नेक्स्ट डे कि प्लीज फॉलो ट्रैफिक रूल्स एंड दुर्घटनाओं से बचें। दोनों की बहुत तारीफ करता हूँ कि इन लोगों ने ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक अवेयरनेस को इतनी इम्पोर्टेंस दी है जिससे कि शादी के अगले दिन खुद
दोनों सड़कों पर आए हैं, ट्रैफिक रूल्स के लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जो लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे उनको बता रहे हैं कि कितना जरूरी है। तो इस तरह की जो पहल है वो ट्रैफिक पुलिस का जो मुख्य उद्देश्य है उससे जुड़ा हुआ है। हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं होता कि हम अधिक से अधिक लोगों का चालान करें और उनसे ट्रैफिक रूल्स की पालना करें। हम ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग अवेयर हों और ट्रैफिक रूल्स का पालना करें। तो अवेयरनेस के अंतर्गत ये एक बहुत बड़ी भूमिका पवनीत और उनके हस्बैंड भी निभा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि बाकी लोग भी आगे आएं और इसके इम्पोर्टेंस को समझें। आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि अभी तक आज दिनांक तक केवल जयपुर कमिश्नरेट क्षेत्र के अंदर 500 लोगों की ट्रैफिक एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है। इसी तरह देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सिटीजन वॉइस के साथ। नमस्कार।